फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल एस के टी चैनल पर। दोस्तों, जो परीक्षा अध्ययन ने आदर्श प्रश्न पत्र सेट को जारी किए हैं, हम उन्हीं सेट को आपको बता रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP हो जाते हैं। इससे पहले हमने कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के 2 सेट को बता दिया है। ये दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में जो आपकी आने वाली दिसंबर में हाफ ईयरली परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। बस आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका जो 80 नंबर का पेपर आने वाला है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव आपके 6-8 आने वाले हैं, ठीक है, 6 आने वाले हैं, ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव, पहले 5 आते थे, क्योंकि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, जो आपकी 40% कर दी गई है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा की मृदा रूप में पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, आप सभी को पता ही होना चाहिए काली मृदा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1970 में वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1970 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना कहा जाता है, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा यूनान, यानी कि जो सभ्यता का पालना है ये यूनान देश को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम दोस्तों जर्मनी में प्रारंभ हुई थी, ये आपको ध्यान रखना होगा, जर्मनी में प्रारंभ हुई थी। सिंगली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो इसके आंसर आपको नीचे भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, फटाफट से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ किस प्रकार से आया है, ठीक है। आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 है, आपको 4 सेटों को सॉल्यूशन मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, तो आप देख लीजिएगा फटाफट से, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप यह पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी सब्जेक्ट की भी हमने PDF आपको प्रोवाइड करा दी है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर ली परीक्षा दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे कर लेंगे तो यहाँ से आपको 70-80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सेट 1 से। हम 4 सेट बनाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत हद तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SKT चैनल। धन्यवाद दोस्तों।